तबाह करती, नहीं चलेगी। माइनिंग डिपार्टमेंट, हाय हाय। माइनिंग डिपार्टमेंट, हाय हाय। माइनिंग डिपार्टमेंट, हाय हाय। माइनिंग शेर सिंह, किस तरह की गुंडागर्दी आपके साथ की है? गुंडागर्दी बहुत जबरदस्ती हो रही है और माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डीसी ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब किसी कई दिन से हरासमेंट हो रही है, जो ठेकेदार है वो रियाल्टी 1200 रुपया पर ट्राली या पर सैकड़ा काट रहे हैं, वो नहीं काटी जानी चाहिए। जो गवर्नमेंट का रेट पास हुआ है उसी रेट के साथ पास रियाल्टी काटी जानी चाहिए, क्योंकि आम जनता के ऊपर बोझ बहुत पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता इसमें मारी जा रही है। उसमें किसी ने मरीज अमीर नहीं देखना, किसी ने गरीब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेट पास करती है वो सब कुछ मिला के करती है। और आप जो यूपी या पंजाब से जो ठेकेदार हमारे पास आए हुए हैं वो हमारी रियाल्टी ज़्यादा काट रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि हमने जबरदस्ती काट रही हैं, आप जहाँ बताना जहाँ बता दो, किसी के पास जाओगे वो सब जगह हमारी चलती है और हम चलाएंगे। और हमने उनको बोला है कि हर दुनिया हर आदमी हक का नुकसान हो रहा है, क्यों बोलते हैं कि आप लोगों ने ठेका लिया है, आप अपनी बात करो, बाहर की बात मत करो। मेरा ऐसा इंसान हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मेरे लिए पूरा जी एंड का एक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट एक है, पूरा जी एंड का एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। जो हमारी गवर्नमेंट ने रेट पास किए हुए हैं उसी रेट के हिसाब से रियाल्टी काटी जानी चाहिए। और हम डीसी साहब से गुंजाइश करते हैं, गवर्नर साहब से गुंजाइश करते हैं, डीएमओ साहब से गुंजाइश करते हैं। आज हम विजयपुर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम डीसी ऑफिस में जाएंगे। हमारे साथ सरपंच बाबा जी हैं और चेयरमैन दीपू जी हैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम डीसी ऑफिस में जाएंगे और हम कुछ रिमांडर उनको पेश करेंगे, उसके बाद में हमारा क्या डिसीजन आता है। तब तक काम बंद रहेगा, जब तक डीसी साहब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक कोई मतलब इसका काम बिल्कुल रियाल्टी बंद होगी। और कुछ लोगों ने रात को रियाल्टी चोरी की है और उनके गुंडे आके रात को गाड़ियां चली हैं, वो गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं, जब तक गवर्नमेंट इसका कोई हल नहीं करती तब तक कोई आदमी ऐसा गलत काम ना करे, क्योंकि डिपार्टमेंट ही हमारी मदद करेगा, डिपार्टमेंट ही सिविल की मदद करेगा, डिपार्टमेंट की हाथ से हमारा सारा कुछ चलने वाला है। अगर डिपार्टमेंट हमारा लोगों की हाजत ना करेंगे तो सिविल जनता कैसे चलेगी? सिविल जनता हाजत करे ना, इन लोगों का हक बनता है, डिपार्टमेंट का हक बनता है, डीसी साहब का बनता है। खास करके हमारे सांबा डीसी है जो बहुत अच्छे हैं, जो लोगों की सुनते हैं, वो आज हम सोचेंगे कि आज हमारी बात को पूरी तरह रखेंगे और हमारे को फैसला इसका मिलेगा। थैंक यू। हमारा जो डेलीगेशन है ये हम विजयपुर सभी इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद हम डीसी ऑफिस सांबा जाएंगे। डीसी साहब से हमारी एक मीटिंग होगी, उन्होंने हमें कॉल किया है और ये जो मीटिंग हम करने जा रहे हैं, ये आपको पता है कि ये जियोलॉजी माइनिंग जो डिपार्टमेंट जो है ये गुंडागर्दी पे उतरा है। जो लोग खनन माफिया के लोग जो जिन्होंने टेंडर हुआ था, जिन्होंने टेंडर मिला है, वो लोग इस चीज़ को जो रेट जो है गवर्नमेंट का, उसको गवर्नमेंट का रेट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट भी से डीएम साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो रेट इम्प्लीमेंट हुआ है, जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला है, उसी रेट पे जो है वो जो पर्ची काटी जानी चाहिए। 1200 रुपया जो लिए जा रहा है ये गुंडागर्दी है। 1200 रुपया कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है, सबके लिए एक जैसा है। जितनी पर्ची जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है वो इम्प्लीमेंट करे और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उससे निजात मिले। हम डीसी सांबा से आज मिलेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे मसले हल नहीं होते हैं तो जनता का क्रोध जो है वो बढ़ता जाएगा, फिर हम गवर्नर साहब से भी जो मिलेंगे। तो इतना ही धन्यवाद। चेयरमैन मुख्यमंत्री हमें ये बताइए, अगर आपके मसले को टेकअप नहीं किया जाता तो अगला क्या एक्शन रहेगा आप लोगों? देखिए, अगर यहाँ पे हमारा मसला हल नहीं होता हम एमजी साहब के पास जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि लोग मजबूर हों, रोड ब्लॉक करें या ऐसा कुछ नुकसान करें, तो उसको देखते हुए डीसी साहब के पास अभी हम सब जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब डिसीजन लेंगे और दोस्तों की जो ट्राली है वो लोगों को 3000 रुपये की पड़ रही है घर पे। कहने का मतलब ये है कि 200-250 रेट है गवर्नमेंट का, ये 1200 ले रहे हैं, उसके बाद लोडिंग का खर्चा और पता नहीं कौन कौन से करते हैं, तो तकरीबन 2000 की ट्राली जो है वो ट्रैक्टर वालों को पड़ती है और 3000 के लोगों के घर पे। तो आप मुझे ये बताओ, मीडिया वाले सब यहाँ पे आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमें पैसा मिल रहा है 1,66,000, वहाँ से हम कैसे, लोगों का बजट कैसे बैठेगा, कैसे वो घर बनाएंगे अपना? मोदी जी का ख्वाब है कि हर घर जो है वो पक्का होना चाहिए, 3000 की ट्राली जब उनको पड़ेगी तो वो कहाँ से घर बना लेंगे?
तो मैं ये मीडिया के माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और डीसी साहब और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनिशिएटिव लें और लोगों को मजबूर ना करें कि वो कुछ गलत करें। और मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, लोगों के लिए लड़ना मेरा काम है, मैं लड़ता रहूँगा। अगर लोग रोड पर बैठते हैं तो मुझे भी रोड पर बैठने पर कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले का जल्द से जल्द हल होना चाहिए। धन्यवाद।